खरगोन शहर के बिस्टान रोड पर बनी कॉलोनी में कॉलोनीनाइजर और ग्राहकों के बीच प्लाट पर कब्जे को लेकर चल रहा विवाद मंगलवार को जनसुनवाई तक पहुंचा है। यहां करीब आधा दर्जन खरीदारों ने कलेक्टर एसपी के नाम अलग अलग शिकायती आवेदन सौंपते हुए रजिस्ट्री के बाद भी कॉलोनीनाइजर पर कब्जा न देते हुए धमकाने का आरोप लगाने का आरोप लगाया है। कलेक्ट्रेट पहुंचे रंजना वैष्णव, ममता परमार्थी, जयप्रकाश परमार्थी, ज्योति वैष्णव आदि ने शिकायत में बताया कि उन्होंने अपनी गाड़ी कमाई से 2014 में बिस्टान रोड स्थित कृष्णा टाउन कॉलोनी में प्लाट खरीदा था, लेकिन अब उस पर अपने सपनों का घर बनाने को लेकर दर दर भटक रहे हैं। श्रीमती परमार्थी ने चिंता जताते हुए कहा कि उनके पति शासकीय स्कूल मोहनपुरा में प्राचार्य होकर अकेले आवाजाही करते हैं। इस दौरान उनके साथ इनके द्वारा अनहोनी किए जाने का खतरा बना हुआ है। प्लॉट मालिकों का कहना है कि उक्त कॉलोनीनाइजर द्वारा प्लॉट दोबारा बेचने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके खिलाफ अधिकारी कड़ी कार्रवाई करें। मेरा नाम अरविंद वैष्णव, मेरा कृष्णा टाउन में प्लाट है जो राजेंद्र जी यादव वहाँ के कॉलोनीनाइजर है, उन्होंने प्लाट काट के मेरे को 2014 में दिया था और उसको वापस डबल से उन्होंने बेच दिया, धोखाधड़ी करके किसी गरीब महिला के नाम पे कर दिया है। अब हम वहाँ पे जाता हूँ तो मुझे दादागिरी बता रहा है, गोली से मारने की धमकी देता है। मैंने पहले भी एक कांड कर चुका हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज के बाद यहाँ आना मत, ऐसी धमकियाँ देता। क्या मांग कर रहे हैं? मैं महोदय जी से यही मांग कर रहा हूँ, यहाँ पे आए हम कलेक्टर ऑफिस में कि हमारे प्लाट पे हमारे पूरी रजिस्ट्री है, उसके बावजूद भी कब्जा भी है, पर ये बार बार जाने के बाद में तार फेंसिंग वगैरह नहीं करने देता, कुछ बनाने नहीं देता। हम इनसे चाहते हैं अनुमति कि हमको बनाने की अनुमति दिलाई जाए और वहाँ पे हम पुनः कब्जा दिलवाया जाए। समस्या ये है, समस्या कि 10 साल से हमने प्लाट लिया है कृष्णा टाउन में, वहाँ कब्जा भी है, पर वो हम किसी ग्राहक को बताने जाते हैं या देखने जाते हैं तो उसका लड़का बिट्टू यादव हमारे से लड़े झगड़े करता है और अब शब्द बोलता है और मारने मरने की धमकी देता है। बोले 10-12 केस तो मेरे ऊपर चल रहे हैं, एक दो और भी चल जाएगा कि मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है और अब इस कॉलोनी में दिखना नहीं तो तुमको एक बार गोली चल रही है, दूसरी बार भी चलवा दूंगा। और हमने तो 5-6 लोगों ने प्लाट लिया है और मेरे भाई के प्लाट पे तो उसने दूसरी फर्जी रजिस्ट्री भी कर दी और बेच भी दिया और वहाँ पे काम भी चालू कर दिया है। और उसको 2-3 रोज पहले मेरे पति, मैं, मेरा भाई समझाने गए तो मेरे पति को गोली मारने की धमकी दी और बोले कि तू इस प्लाट पे दिखना मत, अगर इधर उधर कहीं दिखेगा तो तेरे को मरवा दूंगा और मेरे यहाँ कभी आना मत। और मैं यह मांग कर रही हूँ कि उससे उसके खिलाफ कार्रवाई करे और उसको सजा दे, और अगर मेरे पति को कहीं हुआ, कहीं भी खरोज भी आई तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा। डिजियाना न्यूज डिमांड रिपोर्ट, खरगोन। बिहार की पल पल की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल डिजियाना न्यूज डिमांड को सब्सक्राइब जरूर करें।